आज हम लोग बात करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केपलर्स सेकंड लॉ के बारे में बात किया था। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, ग्रह के आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्या हिंदी हो गया, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। जिसे मान लिया जाए यहाँ पर कि इलिप्टिकल पाथ है, इसकी एक फोकस पर सन है और ये एक प्लेनेट है, इसका रेडियस यहाँ पर आर मान लिया जाए तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ बहुत सारा इस तरह का प्लेनेट लिया जा सकता है, इसका अगर रेडियस हम लोग आर ले ले, देखिए ये जो हम लोग रेडियस ले रहे हैं यही है एक तरह से आप एवरेज रेडियस बोल सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर R1 मान ले, इसको R2 मान ले, तो T1 by T2 का होल स्क्वायर R1 by R2 का क्यूब हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ करना है, देखिए यहां पर फिर इलिप्टिकल पाथ ले रहा हूं मैं और ये आपका सन है ये, और यहां एक प्लेनेट है, रेडियस आपका आर है, इसका एम मान लिया जाए और इसका एम मास ऑफ सन हो गया और ये मास ऑफ प्लेनेट हो गया। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी के कारण जो है सेंटीपीटल फोर्स यहाँ मिलेगा उसको, रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम एंड एम प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, और जानते हैं कि रियल फोर्स होता है एक्टिंग टुवार्ड द सेंटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा कितना होगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और ये जो है कि सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर। देखिए एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एक आर यहाँ चला जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना होगा, जी एम बाय आर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा बात ध्यान देना है आपको, यहाँ V को वैल्यू लाना हम लोग को। देखिए V बराबर क्या होगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर अप्रोक्स 2 पाई आर लिया जाता है, 2 पाई आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहाँ आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड हो रख देंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी 2 पाई आर बटा समय हो गया यहाँ पर, और इसमें इसका वैल्यू यहाँ ले जाकर रख दीजिए कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। अब देखिए ध्यान से यहां पर अगर इसको हम लोग टी स्क्वायर लिखे यहां पर, टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर
आर क्यू और नीचे में आ जाएगा जी एम। इसको यहां ले गए हम लोग, तो अब देखिए यहाँ आर क्यू हो गया 4π² आर क्यू और ये जी एम आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टी स्क्वायर फाइनल आ गया 4π² बाय जी एम और ये हो गया आपका आर क्यू। देखिए ये हो गया कांस्टेंट टर्म आपका, ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, नियत हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से रिलेशन आ जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का क्यूब हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, क्वेश्चन देखिए। प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन है किसी ग्रह की त्रिज्या आर और परिक्रमण काल टी है। एक ग्रह है जिसका रेडियस आर और परिक्रमण काल टी है, 4R त्रिज्या की कक्षा में इसका परिक्रमण काल होगा, अर्थात समय होगा, है ना। ये इसमें इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख दें कि द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन प्लेनेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन प्लेनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4R विल बी, ये निकालना हम लोग को। किसी ग्रह की त्रिज्या R है, परिक्रमण काल T है, 4R त्रिज्या की कक्षा में इसका परिक्रमण काल होगा, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन प्लेनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस R इज T, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4R विल बी, ये निकालना हम लोग को। देखिए प्रश्न है, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो रिलेशन होता है T1/T2 का होल स्क्वायर R1/R2 का क्यूब होता है। तो यहां रखेंगे, ये शुरू में टी दिया हुआ है, T2 निकालना है का स्क्वायर, और T1 जब टी था तो R1 कितना है, R है, और R2 कितना होगा, 4R का देखिए क्यूब हो गया, R से R कैंसिल, T/T2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, 4 का क्यूब है तो T/T2, तो ये देखिए रूट में आ जाएगा 1/8, क्योंकि ये स्क्वायर है इसमें रूट चला जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो गया 8T। तो ये हम लोग का यहाँ पर रिजल्ट आ गया कि जो जब R था तो उसका T था, तो 4R जब जिसका रेडियस होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 8T हो जाएगा।